अक्टूबर तक दिल्ली में जारी रहेंगे कई प्रतिबंध। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को लगा झटका। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि कोरोना के खतरे और अभाव को देखते हुए आगामी 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कई तरह से प्रतिबंध रहेंगे। देश की राजधानी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित एवं वर्जित की गई गतिविधियां क्रमशः 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2021 तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को DDMA ने आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर यह दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों के लिए झटका है, क्योंकि लोग काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति मिले। DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना की स्थिति का अवलोकन करते हुए कुछ गतिविधियों का प्रतिबंधित एवं वर्जित करने के लिए गत 30 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जो 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक है। इस आदेश के तहत प्रतिबंधित एवं वर्जित गतिविधियों की समय को बढ़ाते हुए अब 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक के लिए कर दिया गया है। यानी कोरोना के दौरान इस आदेश में जिन प्रतिबंधित एवं वर्जित गतिविधियों का जिक्र किया गया है, वे क्रमशः 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।